दोस्तों, आप सबके बहुत से सवाल आ रहे थे कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसे याद करने में, तो मैं अपनी पढ़ाई किस तरीके से जल्दी याद करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इसी के बारे में डिटेल करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हमें इसके साथ चलना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि यार गूगल क्लास आ गया, अब कुछ भी चीज हो आप अपनी आंखों में कैप्चर कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइंड से डाटा रिकॉल कर सकते हैं। बहुत सारे नैनो चिप सिस्टम आ गए हैं जो हाथों में लगा लिया तो वो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का सहारा ज्यादा लेना चाहिए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक? क्या सभी लोग फाइनेंशियली इतने सक्षम होंगे? नहीं, ये बात राइट है। तो मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि यार एज अ स्टूडेंट आप ये एक्सक्यूज देना कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है तो मेरे से याद नहीं होगा, या मेरे पास अच्छी से अच्छी बुक्स नहीं है तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। अगर ऐसी बातें हम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे। एक सीधा सा सवाल हर बच्चे के माइंड में होता है अपने टीचर के लिए कि सर आपको इतना सारा याद कैसे रहता है। तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि टीचर भी पहले कहीं ना कहीं उसे पढ़ता होगा, उसने भी कभी ना कभी उस चीज की पढ़ाई की होगी और वो उस चीज को आपके सामने बार बार रखता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है किसी चीज को जल्दी याद रखने का तरीका, सिर्फ एक बार में अगर आप पढ़ते हैं और उस चीज को किसी और को पढ़ाते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरी नजर में। नंबर वन, कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं उसको किसी दूसरे के सामने जरूर सुनाइए, चाहे वो आपकी क्लास का है या फैमिली मेंबर है, उसको जरूर बताइए। अगर आप ये चीज रिपीट करेंगे तो वो बातें आपको बहुत ज्यादा देर तक याद रहेंगी। नंबर टू, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक हाइलाइटर जरूर रखिए अपने पास। उससे क्या होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप अंडरलाइन करते रहेंगे। एक चीज यार मैंने देखी है कि विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे की फिल्म इसलिए याद हो जाती है क्योंकि आपने बहुत सारे सीन ऐसे कैप्चर कर लिए होते हैं अपने माइंड में, जो आप बार बार जब भी रिकॉल करते हैं तो वो चीज आपको बार बार डिनोट करती है। आजकल बहुत सारे पब्लिशर्स इस चीज पर वर्क कर रही हैं जानबूझ के। आपने देखा होगा आजकल की बुक्स में रेड कलर, थोड़े डिजाइन, ऐसी चीजें देते हैं कि बच्चा बोर ना हो। तीसरे नंबर पर आता है एक बार में चीज की स्टडी करना। हमारे पास ये हमेशा प्रॉब्लम है, मैथ्स पढ़ने जाओ तो साइंस की टेंशन, साइंस पढ़ने जाओ तो इंग्लिश की टेंशन। मेरा तो सिंपल और एक चीज का मानना है कि जब आपको किसी चीज को अच्छे से पढ़ना हो तो यार अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए और कहिए अपने आप से कि ये 1 घंटा मेरे पास है, अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद बाकी चीजें तब देखी जाएंगी। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा ये याद रखें कि एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर एक ही टाइम दें। और दोस्तों, लास्ट आता है आपका डिनर। यार ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है एज अ स्टूडेंट के लिए। आपका डिनर लिमिट से ज्यादा ना हो, इनफैक्ट लिमिट से थोड़ा कम ही हो, इससे आपको थोड़ी नींद कम आएगी और आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।